दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। सामान्य प्रशासन मंत्री का ऐलान, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं देगी सरकार, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पदोन्नति में आरक्षण पर कोई फैसला न होने से एक बार फिर एक्सटेंशन की आस लगाए कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बुरी खबर है। खजाने की माली हालत ठीक न होने के बावजूद राज्य सरकार अब सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं देगी, बल्कि इनकी सेवानिवृत्ति से खाली हो रहे पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज यह ऐलान किया है। जबलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब किसी को भी एक्सटेंशन नहीं देगी। श्री सिंह ने कहा कि 1 मार्च से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों कर्मचारियों को अब मौका नहीं दिया जाएगा, इन खाली पदों को युवाओं के रोजगार का जरिया बनाया जाएगा। असल में 2 साल पहले मार्च 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। अब यह 2 साल की अवधि खत्म होने से हजारों की संख्या में एकमुश्त अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, मगर पदोन्नति में आरक्षण का मामला अदालत में लंबित होने एवं सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार 1 साल और एक्सटेंशन दे सकती है। समान पद पर एक्सटेंशन के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को संविदा आधार पर पुनर्नियुक्ति पर भी सरकार विचार कर रही थी, ताकि सेवानिवृत्ति के समय अधिकारियों कर्मचारियों को तमाम स्वत्वों और भत्तों के एकमुश्त भुगतान के बोझ से बचा जा सके। दोस्तों ये थी आज की कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण खबर। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।